हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पर आधारित है, जहां पर पति पत्नी के बीच मेंटेनेंस का मामला जो है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा। तो दोस्तों, क्या केस के पूरे फैक्ट्स हैं, क्या इसमें जजमेंट है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त आप मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा, जहां पर सेशन कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में 5,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था, लेकिन पति ने कहा कि वो ये रकम देने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो रिवीजन में माननीय हाई कोर्ट में गया। तो दोस्तों, केस का जो नंबर है सिविल रिवीजन नंबर 1802/2023 की है। केस का टाइटल है संदीप वर्सेस सुमन, और इसमें जो जजमेंट आया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एचएस मदान की बेंच ने ये जजमेंट दिया है। और दोस्तों, इसमें बहुत ही जो है एक ऑब्जर्वेशन दी है माननीय हाई कोर्ट ने पति के अगेंस्ट और पत्नी के पक्ष में। तो दोस्तों, क्या पूरा जो है इसका जो ऑब्जर्वेशन हैं, हस्बैंड ने चैलेंज किया एडिशनल सेशन जज चरखी दादरी के एक ऑर्डर को, जिसमें माननीय ट्रायल कोर्ट ने 5,000 रुपये प्रति माह पत्नी को मेंटेनेंस देने के आदेश दिए थे, और साथ में 5,500 रुपये लमसम लिटिगेशन चार्जेस के तौर पे फिक्स किए गए, और 500 रुपये पर हियरिंग वाइफ को देने के आदेश दिए कि जब भी वो ट्रायल कोर्ट में हाजिरी लगाए तब उसको 500 रुपये पति देगा। तो ये ऑर्डर था माननीय एडिशनल सेशन जज चरखी दादरी के की कोर्ट का। तो इसको लेकर जो हस्बैंड है वो माननीय हाई कोर्ट में गए, क्योंकि वाइफ ने एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी और इसके साथ एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कि उनको जो है इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए 15,000 रुपये पर मंथ, और साथ में 11,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिए जाए। और उनकी एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट ने यानी कि सेशन कोर्ट ने अलाउ की, लेकिन उनको जो है हस्बैंड को आदेश दिया कि वो 5,000 रुपये पर मंथ पत्नी को मेंटेनेंस दे, 5,500 रुपये जो है लमसम में लिटिगेशन चार्जेस दे, और 500 रुपये पर हियरिंग वाइफ को दें ताकि वो अपनी अटेंडेंस वहाँ पर मार्क कर सके। तो दोस्तों, ये रिवीजन सुनते हुए माननीय कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस रही, ये मैं आपको जो है इस वीडियो में बता रहा हूँ। माननीय कोर्ट ने कहा कि कीपिंग इन व्यू दैट हस्बैंड इज एन एबल बॉडीड पर्सन, कि वो जो है हट्टा कट्टा आदमी है हस्बैंड, कोई जो है उसकी जो फिजिकल डिफॉर्मेटी नहीं है, एंड नाउअडेज इवन ए मैनुअल लेबरर मैनेजेस टू अर्न ₹500 और मोर पर डे। और आजकल जो है एक जो मैनुअल लेबर है यानी कि एक मजदूर है जो हाथ से काम करता है, वो भी 500 रुपये या इससे ज़्यादा पर डे के तौर पे कमाता है। और क्योंकि जो है जो प्राइसेस हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो लाइफ की जो कॉस्ट है वो जो है महंगी होती जा रही है, तो इसलिए 5,000 रुपये का जो मेंटेनेंस है वो हम ज़्यादा उसको नहीं कह सकते, बहुत ही मॉडरेट मेंटेनेंस है। तो दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ऑफ कोर्स हस्बैंड हैज़ गॉट ए मॉरल एंड लीगल लायबिलिटी टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ इवन इफ ही इज़ ए प्रोफेशनल बैगर। ये बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन है पत्नियों के पक्ष में और पति के अगेंस्ट, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हस्बैंड है उसकी लीगल और मॉरल ड्यूटी है अपनी पत्नी को मेंटेन करना, जो जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, और ये उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल बैगर भी है यानी कि वो भिखारी का काम करता है, तब भी उसको जो है उसकी मॉरल और लीगल ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन
करे तो दोस्तों द रेस्पोंडेंट हस्बैंड कुड नॉट एस्टैब्लिश ऑन रिकॉर्ड दैट पिटिशनर वाइफ हैज गोट एनी मीन्स ऑफ अर्निंग और इज पजेस्ट ऑफ सफिशेंट प्रॉपर्टी। और हस्बैंड जब रिवीजन में गए तो वहाँ पर यह बताने में सक्षम नहीं रहे कि पत्नी के पास बहुत सारे सफिशेंट मीन्स हैं और वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकती है या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई रेंट आता है या किसी तरह की और इनकम आती है। तो पत्नी के पास ऐसा कुछ भी जो है लाइवलीहुड के लिए कोई मीन्स नहीं है और पति जो है ये साबित नहीं कर पाया कोर्ट में कि पत्नी के पास सभी सफिशिएंट मीन्स हैं। और माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो जस्टिफाइड है कि उन्होंने जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है और 5,000 रुपये का जो मेंटेनेंस दिया है वो किसी भी तरह से अनजस्टिफाइड नहीं है। माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर डज नॉट सफर फ्रॉम एनी इलीगैलिटी और इनफॉर्मिटी, यानी कि ट्रायल कोर्ट एडिशनल सेशन जो चरखे दादरी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो किसी भी तरह से इलीगल नहीं है, यानी कि वो जो है इनफर्म नहीं है, इलीगल नहीं है एंड इज़ नॉट हैविंग एनी एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और परवर्सिटी। और इस ऑर्डर में किसी भी तरह की कोई आर्बिट्रेरीनेस यानी कि कोई जो है मनमाना तरीका या कोई परवर्सिटी या मान लीजिए कोई इलीगल वे में ये मेंटेनेंस पास किया है ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बहुत ही डिटेल्ड है और बहुत ही रीजन्ड है और बहुत ही जस्टिफाइड है। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो पति की रिवीजन पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया ये कहते हुए कि इस पिटीशन में कोई भी मेरिट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कही है कि जो पति का ये दायित्व है कानूनी और नैतिक मॉरल और लीगल दोनों ही कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे चाहे वो बैगर का ही काम क्यों ना करता हो और वो हट्टा कट्टा इंसान है तो वो तब जो है मैनुअल लेबर करके भी कमाई कर सकता है और अपनी पत्नी को जो है मेंटेन कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।